Hey guys, what's going on? This is Shiva and welcome to my another video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मैंने $1300 की अर्निंग की है फ्रॉम इंस्टाग्राम. ठीक है, तो ये मेरी जो अफिलिएट जो अर्निंग होती है वो नहीं है, बाकी जो मैंने इंस्टाग्राम पे से की है वो अर्निंग इसमें आपको शो करूँगा. बाकी मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था वो मेरी अफिलिएट अर्निंग थी, जो मैंने मतलब क्लिक बैंक के जो ऑफर्स थे वो प्रमोट करके जो अर्निंग हुई थी वो बताई थी. बाकी इसमें बताऊँगा आपको इंस्टाग्राम के थ्रू डायरेक्ट पेपल में जो अर्निंग हुई है वो आपको शो करने वाला हूँ. तो इसमें अभी आप देख सकते हैं $1300 अर्निंग किया है. तो इसमें बताऊँगा आपको क्या प्रोसेस है, किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं सेम स्ट्रेटेजी और आप भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पेज से. ठीक है, बाकी आप चैनल पर नए हैं, नहीं जानते चैनल के बारे में, तो अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन अर्निंग के जो तरीके हैं वो ढूंढ रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि जब भी मैं नई स्ट्रेटेजी के साथ आऊँ आपका नोटिफिकेशन उसका आपको मिल जाए और आप उस स्ट्रेटेजी को यूज़ करके अच्छी खासी अर्निंग कर सके अपने मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप के थ्रू. तो चलिए शुरू करते हैं. तो $1300 की जो अर्निंग की है पहले अपन यहाँ पे देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको कैलकुलेट करके बता दूँ. ठीक है, तो अभी ये $60 तो तीन हो चुके हैं, ये 180 डॉलर, उसके बाद फिर ये है $65. ठीक है, तो बाकी ये दूसरी करेंसी इसे अपन ऐड नहीं करते हैं. इसके अलावा यहाँ पे $10 से अपन दोबारा रिस्टार्ट करते हैं. तो यहाँ से $10 ये हो गया, इसके अलावा 120, फिर 10, तो इसके बाद फिर ये 60, 60, 60, चार ये हो गए, तो 240 ये हो गए. ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसे सेलेक्ट कर लेते हैं. उसके बाद फिर ये है, तो 1, 2, 3, तो 180 ये हो गए. ठीक है, इसके बाद फिर 10, उसके बाद फिर ये 360 डॉलर, तो 180 है. ठीक है, तो अपन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ये आ चुका है 360, तो प्लस 180, इसके बाद 25, इसके बाद फिर 100. ठीक है, तो ये हो चुके हैं $1300. अगर आप कन्वर्ट करेंगे $1300 को USD टू NRI, तो अभी 75 का रेट चल रहा है, अपन इसे मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो आप 97,500 रुपीज़ इंडियन करेंसीज में होता है. ठीक है, तो टोटल ये मतलब अर्निंग हुई है. बाकी अपन चलते हैं अब इंस्टाग्राम पर. तो इंस्टाग्राम पे ये मेरा जो ऑफिशियल पेज है मेरे पर्सनल. ठीक है, तो चाहे तो इसे आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आप उसे यहाँ पे जाके पूछ सकते हैं मुझसे. ठीक है, तो बाकी जो मेरा मेन पेज है इससे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन 777. ठीक है, 33,600 something फॉलोअर्स हैं इस पर अभी. ठीक है, तो बाकी जो मेरी अफिलिएट लिंक है उसके बारे में बात नहीं करेंगे अपन. बाकी ये जो सर्विसेज हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं फ्री मिनी रीडिंग, ट्वाइन फ्लेम सर मास्टर. तो ये जो सर्विस है, दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो मेरे पेज पे अपनी जो पोस्ट है उसे प्रमोट करते हैं, तो उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ. तो जो भी अर्निंग मैंने आपको शो करी है अभी पेपल में, तो वो सब इसी के थ्रू आई है. ठीक है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पेज जो है वो ग्रो करना होगा. तो डेली एक पोस्ट डालता हूँ मैं, एक पोस्ट के लिए $10 से $20 चार्ज करता हूँ जो भी है. बाकी जो मेरा मतलब बहुत मतलब समथिंग 6 महीने से ऊपर हो चुका है, एक ही क्लाइंट है तो मतलब कंटिन्यू मेरे साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए मैं बस $10 चार्ज करता हूँ. बाकी जो नए आते हैं उनसे मैं $20 मतलब लेता हूँ एक पोस्ट का. ठीक है, तो एक डेली बेसिस पे एक पोस्ट मतलब कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे. ठीक है, तो इसके थ्रू ये अर्निंग आई पूरी. बाकी आपको बताता हूँ आपको क्या करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका तो जो पेज है, ऑब्वियसली बात है आपके अगर पेज पे फॉलोअर्स होंगे
तभी आप जो है किसी दूसरे जो स्मॉल पेजेस हैं, जो जो भी जो पेज हैं ट्विन फ्लेम सर्विसेज वाले, वो आपको आपके पेज पे प्रमोट तभी करेंगे जब आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हों। तो फॉलोअर्स आपको पता है कैसे आपको ग्रो करना है, आपको टाइम देना है, आपको फॉलो अनफॉलो करना है, कंटिन्यू बेसिस पे पोस्ट डालना है। अगर आपको ज़्यादा जानना है कि कैसे आप अपना जो पेज है वो ग्रो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पेज, तो काफ़ी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं इंस्टाग्राम पेज ग्रो करने के ऊपर, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, अभी जिनका पेज अच्छा ग्रो हो चुका है या ग्रो करने लेंगे वो, तो फिर आपको क्या करना है, आपको जाके सर्च करना है ट्वाइन फ्लेम। ठीक है, तो काफ़ी सारे पेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी पेज जितने भी हैं सभी को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आपका जो पेज है और उस पेज के जो फॉलोअर्स हैं, आपके पास 10,000 फॉलोअर हैं और आप जे 1 लाख से ऊपर इसके फॉलोअर हैं उससे मतलब पूछ रहे हैं, तो मतलब कोई बेनिफिट नहीं होगा उससे। ठीक है, तो आपको ऐसा पेज देखना जो ट्वाइन फ्लेम में हो लेकिन आपके जो फॉलोअर्स हों उस पेज से ज़्यादा हों, तभी वो मतलब देखेगा कि हम मतलब इसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो अपन प्रमोट कर सकते हैं, तो बेनिफिट हो सकता है। तो आपको जाना है, ठीक है, इन्हें फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद आपको मैसेज जाना है और मैसेज में जाके आपको टाइप करना है हे टीम या और जो भी आप बोल सकते हैं हे देयर। ठीक है, लेट आई चेक चेक आउट योर पेज। चेक आउट योर पेज एंड यू आर प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू। ठीक है, तो आपको उस पेज की तारीफ करना है, ऑब्वियसली यू आर प्रोवाइडिंग सो मच वैल्यू एंड यू आर प्रोवाइडिंग वैल्यूबल सर्विसेज टू योर ऑडियंस, बट आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई हैव 10,000 फॉलोअर्स और 20,000 फॉलोअर एंड माई ऑल फॉलोअर्स इज इन आर इंटरेस्टेड इन ट्वाइन फ्लेम सर्विसेज, राइट? सो इफ़ यू वॉन्ट टू प्रमोट योर सर्विसेज ऑन माई पेज, सो यू कैन एंड आई विल चार्ज $10 और $20, वट एवर यू यू वॉन्ट टू चार्ज, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक अच्छा सा मैसेज उन्हें टाइप करना है कि आपके काफ़ी अच्छी आप वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छी आपकी सर्विसेज हैं। तो मेरे जो ज़्यादातर फॉलोअर्स हैं वो ट्वाइन फ्लेम सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेरे पास सर्विसेज नहीं है प्रमोट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो एज अ मैं एक मेरा बस पेज है, ठीक है, काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं। तो अगर आप चाहें आपकी जो सर्विसेज हैं वो मेरे पेज पे आप प्रमोट कर सकते हैं, उसके लिए आपको $10 चार्ज करना होगा एक पोस्ट के लिए या $20 चार्ज करना होगा, जो भी आपको करना है, ठीक है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको जितने भी पेजेस हैं जो आपको लगता है उन सबको आप मैसेज कर सकते हैं। ट्वाइन फ्लेम काफ़ी सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे देखने को यहाँ पे। ठीक है, तो सभी को आपको कांटेक्ट करना, जो भी जिससे आपकी डील मतलब अच्छी हो जाए उसके साथ आप काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में उन्हें थोड़ा कम रेट करके बताइए, ताकि हाँ मैं आपको 1 दिन या 2 दिन आपको पोस्ट करके बता देता हूँ कि मतलब आपको कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। अगर उन्हें बेनिफिट होगा तो वो आपके साथ मतलब अच्छा काम करना मतलब लॉन्ग टाइम के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मैंने जो फर्स्ट जो मेरा क्लाइंट था, ठीक है, कोई USA के हैं, कोई लेडीज़ हैं, तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल बोला कि अगर आप कुछ अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं स्टार्टिंग में, तो मैंने बेसिकली $10 में चार्ज करता था, लेकिन उस टाइम पे मैंने $5 में उनकी पोस्ट चार्ज कर दी 1 हफ्ते के लिए। ठीक है, तो उन्होंने खुद बोला अगर आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो मैं मतलब काफ़ी अच्छा मतलब क्लाइंट बन सकती हूँ और काफ़ी लंबे समय तक काम कर सकती हूँ आपके साथ। तो वैसा ही हुआ, अभी तक 8 महीने हो चुके हैं, हर दिन मतलब जो पोस्ट है वो प्रमोट कर रहे हैं मेरे पेज पे, तो बाकी अपनी अर्निंग हो रही है, तो मेरा पेज भी ग्रो हो रहा है, साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड कर जो प्रमोट कर रहा हूँ और अर्निंग भी हो रही है। इसके अलावा मेरे जो अफिलिएट अपने जो ऑफर है क्लिक बैंक के, वो भी अपन प्रमोट कर रहे हैं, तो आपकी वहाँ से भी अर्निंग हो रही है, तो बेनिफिट यही है। ये जरूरी नहीं है आप मतलब जो स्पिरिचुअलिटी में आपका पेज हो, कोई सा भी पेज हो सकता है आपका, वेट लॉस में हो सकता है, इसके अलावा आप मोटिवेशनल हो सकता है, मेक मनी ऑनलाइन में, जिस भी निच में हो आप कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे पेजेस होते हैं, हर निच में काफ़ी पेजेस आपको मिल जाएंगे,
जो आपसे मतलब जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं या मतलब उनके पास ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे सर्विस जो है उनकी प्रमोट करने के लिए मतलब पूछ सकते हैं आपके पेज पे। अगर आपको वो एग्री होते हैं तो आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं अपने पेपल के थ्रू। आप उनको अपने जो लिंक है आप शेयर कर सकते हैं, उसके थ्रू वो पेमेंट कर देंगे और आपका जो अपना पेमेंट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा पेपल के थ्रू। तो सिंपल सा मेथड है बस। स्टार्टिंग में आपको जो है अपना पेज ग्रो करना होगा। पेज ग्रो आप एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको 5 से 6 महीने मेहनत करनी होगी। ठीक है, जब एक बार आपके 10,000 फॉलोअर्स हो जो होगा जाएंगे तो उसके बाद आपको फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पेज जो है ऑटोमेटिकली ग्रो होता रहेगा, बस आपको वैल्यू प्रोवाइड करनी है अपने जो भी ऑडियंस है। तो ऑटोमेटिकली आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते जाएंगे। 1,000 जो फॉलोअर्स हैं वो डेली बेसिस पे मतलब ऑटोमेटिकली आपके जो पेज को है वो फॉलो करते रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है अपने जो भी ऑडियंस है उन्हें वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया था, काफ़ी सारी गलती की मैंने। ठीक है, आपको कंटिन्यू बेसिस पे कोई भी मतलब जो ऑफर है प्रमोट नहीं करना है। अगर आप कंटिन्यू बेसिस पे प्रमोट करते जाएंगे, उन्हें फोर्स करते जाएंगे बाय करने के लिए, तो आपके जो फॉलोअर्स हैं वो आपको अनफॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी मेरे साथ यही हो रहा था। ठीक है, 50 लोग फॉलो करते हैं, इसके अलावा 40 लोग अनफॉलो कर देते हैं, तो ओनली जो इक्वल निकल के आता है वो 10 निकल के आता है। तो डेली का 10 फॉलोअर आपके इंक्रीज हो रहे हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो भी ऑडियंस है उसे वैल्यू प्रोवाइड करें। और जैसे महीने में आप 25 दिन वैल्यू प्रोवाइड करें, 1 हफ्ते कोई भी ऑफर आप प्रमोट कर सकते हैं। तो जितना आपका जो भी महीने भर की अर्निंग है वो 1 हफ्ते में आप इजीली कर सकते हैं। तो यही होता है वैल्यू, वैल्यू देना। आप उसके बाद सेल कर सकते हैं, तो आपकी जो सेल है जितनी आपने वैल्यू प्रोवाइड करी है उससे ज़्यादा ही आपकी निकल के आएगी आपकी अर्निंग। सो दैट्स इट। अगर वीडियो समझ में आया तो अच्छी बात है। ठीक है, बाकी काफ़ी बार मैंने बताया कि इस तरह से मैं इंस्टाग्राम से अर्निंग कर रहा हूँ। तो सिंपल सा मेथड है, दूसरे जो पेजेस हैं स्मॉल आपके निच में उनसे कॉन्टेक्ट करिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप उनकी जो पोस्ट है वही प्रमोट करें, उनको उनको ग्रो करने में आप हेल्प कर सकते हैं, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको पता है कि मतलब कैसे पेजेस को ग्रो करना है, तो आप जो आपके निच में छोटे छोटे पेजेस हैं उनसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उन्हें हेल्प कर सकते हैं उनके पेज को ग्रो करने के लिए, वहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो कंपनीज़ हैं आपके एरिया में, जो भी कंपनीज़ हैं जो सोशल मीडिया मार्केटिंग में, वही क्या करते हैं, यही करते हैं कि आपके जैसे कोई भी क्लिनिक हुआ आपके एरिया में, डॉक्टर का क्लिनिक हुआ, जो भी डेंटिस्ट का क्लिनिक हुआ, इसके अलावा कोई भी शॉप हुई, ब्यूटी पार्लर हुआ, या काफ़ी सारे जो छोटे छोटे बिजनेस होते हैं उनसे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन। ठीक है, आपके एरिया में जो भी हैं कि हम आपके जो पेज है आप उसे शो करते हैं, देख ही सकते हैं आप, ये मेरा पेज है, मुझे अच्छी तरह पता है कि मतलब इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग कैसे बढ़ानी है। उन्हें समझाइए कि इंस्टाग्राम से क्या बेनिफिट आप मतलब ले सकते हैं, कितने आपके कस्टमर आप बढ़ा सकते हैं, तो उनका जो पेज है आप वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दीजिए, उनके पेज को ग्रो करिए। साथ ही साथ आप उनके जो भी इंडिया में, तो ठीक है इतना मतलब अर्निंग नहीं होगी, लेकिन फिर भी 10 से 20 हज़ार रुपये वो आप मंथली चार्ज कर सकते हैं उनसे अपने जो पेज को हैंडल करने का। तो उन्हें बेनिफिट बताना होगा कि मतलब इंस्टाग्राम से कितना ज़्यादा आप ट्रैफिक अपने जो भी क्लिनिक है, अपने जो भी बिजनेस है उसमें आप ड्राइव कर सकते हैं। सोशल मीडिया में यही होता है मार्केटिंग में। आप चाहें तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताया कि आप दूसरे जो सर्विसेज हैं वो अपने पेज पे प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे जो पेजेस हैं स्मॉल उनको आप ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे वेज हैं आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप काफ़ी लोगों से मतलब फ़ोटो डालने के लिए यूज़ करते हैं, अपनी जो भी पिक्चर्स हैं उन्हें शेयर करते हैं। इसके अलावा आप उसी की जगह आप अपने जो इंस्टाग्राम पेज से काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, आपको पता है, तो आप भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गेट वैल्यू फ्रॉम दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आप इसी तरह के और वीडियो चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आप और भी अगर ज़्यादा जानना चाह रहे हैं कैसे अर्निंग करना, तो काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, कंटिन्यूस वीडियो बनाता रहता हूँ मैं। तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा सीखना चाह रहे हैं। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय फॉर नाउ।